सोलन नगर परिषद द्वारा शहर में किए जा रहे विकासात्मक कार्यों में पारदर्शिता नहीं रखी जा रही है। ये आरोप भाजपा समर्थित नगर परिषद पर कांग्रेस ने नहीं बल्कि भाजपा के मनोनीत पार्षद ने लगाए हैं। मनोनीत पार्षद नरेश गांधी ने न केवल नगर परिषद पर आरोप लगाया बल्कि उन्होंने इसकी शिकायत उपायुक्त सोलन को भी और कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद को भी की है। उन्होंने अपनी शिकायत में उपायुक्त सोलन को बताया कि सोलन में विकास कार्य बिना किसी टेंडर के किए जा रहे हैं, जिसमें गुणवत्ता का ध्यान भी नहीं रखा जा रहा है। इसीलिए शहर में चल रहे विकासात्मक कार्यों की समीक्षा और जांच होनी चाहिए। मीडिया के समक्ष रोष प्रकट करते हुए भाजपा के मनोनीत पार्षद नरेश गांधी और वार्ड नंबर 14 के वासियों ने कहा कि उनकी कॉलोनी में डंगा केवल 5 महीनों में ही गिर गया। यही नहीं, जब वह दीवार बनाई जा रही थी तब नगर परिषद के अधिकारियों ने इसे देखने की जहमत तक नहीं उठाई और जिसमें सीमेंट भी नाम के लिए लगाया गया था। यही वजह है कि यह दीवार कुछ माह में ही ताश के पत्तों की तरह ढह गई। उन्होंने कहा कि यही नहीं, हद तो यह है कि अब बिना टेंडर के ही अब यह दीवार फिर से बनाई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जब शहर में कोई निर्माण कार्य चलता है तो गुणवत्ता का कतई भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। यही कारण है कि निर्माण कार्य ज्यादा समय तक नहीं टिकता, जिसका जीता जागता उदाहरण बाढ़ में लगी दीवार है जो अब पूरी तरह से ढह चुकी है। पिछले कुछ समय से पता लगा है कि जितने भी आज तक टेंडर बिना टेंडर के काम हुए हैं, ऑफलाइन टेंडरिंग काम होते थे पहले, आज तक कर रहे हैं ठेकेदार काम कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई 5 लाख का टेंडर लग रहा है, कोई 2 लाख का लग रहा है, कोई उसमें संज्ञान नहीं लिया। अब जैसा कि जनवरी में एक टेंडर हमारे वार्ड नंबर 14 का ही इंडोर बैडमिंटन कोर्ट का हुआ है, जिस पर 7 लाख रुपए का तकरीबन टेंडर है, जिसका काम आज तक ठेकेदार द्वारा शुरू नहीं कराया गया। प्रशासन से हम मांग करते हैं जो भी टेंडर हो ऑनलाइन हो, पारदर्शिता से पूरा काम हो, ताकि लोगों का पैसा व्यर्थ न जाए। हमने इसकी कम्प्लेंट अपने यहाँ पे कमेटी में जो ईओ साहब हैं उनको दी है और उसी की एक कॉपी डीसी साहब को भी दी है, जिसमें हमने उनसे ये पूछा था कि ये हमें बताया जाए कि ये डंगा कैसे 6 महीने में कैसे गिर गया, और इसके इसमें जिन्होंने काम किया, चाहे वो ठेकेदार हैं, जेई हैं या जो भी इसमें अधिकारी इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई। और इससे पूर्व जो यहाँ कार्य हो रहे थे, नगर परिषद के जो भी तकनीकी सहायक है या जेई है, एसडीओ है, वो उन्होंने कभी भी ये किसी भी कार्य की गुणवत्ता को चेक नहीं किया है। हम चाहते हैं कि जो ये अपना रिटेनिंग वॉल गिरी है, इसकी गुणवत्ता की जांच की जाए, ताकि जनता के लिए जो आगे समर्पित की जाए। हम ये सब चाहते हैं कि जो हमारी कॉलोनी में जो भी काम होता है उसकी अच्छे से जांच होनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं हाल फिलहाल में यहाँ पे एक डंगा गिरा है ना, अगर आप उसका क्वालिटी वर्क चेक करेंगे तो शायद बहुत ही पुअर होगा, तो जो 6 महीने के अंदर गिर चुका है, क्योंकि ऐसे पैसा वेस्ट करना तो बिल्कुल बेकार बात है। इसमें हमारा भी नुकसान है, देश का भी नुकसान है, हम इतना टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं, वो सब यूजलेस है। यहाँ पे तो एक बार काम इशू को कर देते हैं ठेकेदार के हवाले, उसके बाद वो ठेकेदार चाहे वो मिट्टी लगा रहा है, चाहे वो रेत लगा रहा है, जैसे मर्जी रह जाते हैं, थोड़े दिन बाद जो है डंगा गिर जाता है, तो उसका तो कोई, वो तो फिर वेस्ट हो रहा है, गवर्नमेंट का पैसा वेस्ट हो रहा है ना, टाइम वेस्ट हो रहा है, उसका तो कोई फायदा नहीं है।